ये है दुनिया का सबसे पुराना शिवलिंग। कहते हैं कभी ये शिवलिंग जो है हवा में तैरा करता था, और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण की शैमंतक मणि जो है यहीं पे मौजूद थी, इसी के कारण ये तैरता था। इस पे करीब 17 बार अटैक किया गया, ये मंदिर पूरा तहस नहस हो गया था। गजनी हो, खिलजी हो, औरंगजेब हो, सब ने इसे तोड़ दिया। ये है स्पिरिचुअल एस्पिरेंस का एपिसोड 1 of 12, और मैं बात कर रहा हूँ सोमनाथ शिवलिंग की, जो कि गुजरात में है। शिव पुराण के अनुसार इसके पीछे एक अपनी बहुत खास कथा है। कहते हैं कि दक्ष की 27 पुत्रियां हुआ करती थी, जिसे उसने चंद्रमा से विवाह करवा दिया। लेकिन उन 27 में से एक जो पुत्री थी, जिसका नाम रोहिणी था, वो चंद्रमा को बहुत अधिक प्रिय है। इसके कारण चंद्रमा जो है बाकी 26 स्त्रियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख। अनेकों बार दक्ष के समझाने पर कि सबको बराबर का प्रेम दिया जाए, तब भी चंद्रमा नहीं माना, और दक्ष ने उस समय क्रोध होकर उनको श्राप दे दिया कि चंद्रमा तुम्हारी जो रोशनी है वो पूरी क्षीण हो जाएगी। तब चंद्रमा की रोशनी जाने पर पूरी धरती पर हाहाकार मच गया, क्योंकि कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी पेड़ पौधों और इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा वहाँ प्रकट समझाते हैं चंद्रमा को कि तुम जो है भगवान शंकर का पूजा करो। और तब चंद्रमा लग जाते हैं, अगले 6 महीने तक उन्होंने करीब 10 करोड़ से ज़्यादा जाप किए महामृत्युंजय मंत्र का, और तब शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा को उसकी रोशनी लौटा देते हैं। वहीं उसी समय ये सब देवी देवता देख रहे हो, तो देवी देवता उनसे आग्रह करते कि आप भगवान यहीं बस जाइए। और जब भगवान ने कहा कि मैं अब से जो है यहाँ सोमनाथ के रूप में पूजा जाऊंगा, और जिस प्रकार मैंने चंद्रमा की रोशनी लौटा दी, उसी प्रकार जो भी मेरे दर्शन करेगा मैं उसकी जिंदगी में रोशनी वापस ला दूं। अब इसके आगे की थोड़ी कहानी हम जान लेते हैं। आते हैं सीधे 1027 AD पे, जब अफगान से आया था महमूद ऑफ गजनी। उस समय उसने ये शिवलिंग को पूरा तहस नहस कर दिया था। वह सोमनाथ के सोने के खजाने के बारे में सुन के आया था, जो कि अल बरूनी ने अपनी किताब में 1017 AD में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था। जैसे ही वह अपनी बड़ी सेना के साथ यहाँ पहुँचता है, तो सोमनाथ के लोग बड़े वीरता से उसका सामना करते हैं, किंतु कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। और उस समय जब वह पूरा सोना लूट लेता है, उसके बाद वह देखता है यहाँ एक शिवलिंग है जो हवा में तैर रहा है। यह देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब वह अपने एक सिपाही को भेजता है, कहता है इसको देखो जाके कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तब सिपाही उसे बताता है कि इसमें लगा हुआ है एक लॉर्ड स्टोन, एक चमत्कारी पत्थर कहूँ कि ये पत्थर जो कि धरती में पाया जाता है, और ये अपने आप में इतना खास है कि ये अपने चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी सॉलिड चीज़ को हवा में उठा सकता है, और यही लॉर्ड स्टोन वहाँ लगा हुआ था। तब उसने अपने सिपाहियों को जो है आदेश दिया कि इस लॉर्ड स्टोन को तबाह कर दो, और उसके बाद उसने सोमनाथ के शिवलिंग को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर ये शिवलिंग उस समय टूट गया था, तो फिर आप सोचिए कि दोबारा ये मंदिर आखिर बनाया कैसे गया, क्योंकि उसके बाद खिलजी ने भी उस पर अटैक किया था, औरंगजेब ने भी, पर फिर ये बना कैसे है आखिर? सारा इस एपिसोड में बताना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको पता है कुछ इसके बारे में तो कमेंट कीजिए, वरना वेट कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आज का यह सोमनाथ मंदिर इतना खास है और बना।